आज का ये वीडियो यूपी स्पेशल का करंट अफेयर का वीडियो होने वाला है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को एक साथ कवर कराने का प्रयास करूंगा और आप देखोगे इस वीडियो के अंदर मैंने उत्तर प्रदेश से बनने वाला प्रत्येक करंट अफेयर एकदम डिटेल वाइज कवर किया हुआ है। और यूपी स्पेशल की इस करंट अफेयर की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यदि आप इस वीडियो को पूरा कंठस्थ कवर करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो के नोट्स बनाते हुए चलना है। वैसे तो आपको इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त हो ही जाएगी, लेकिन फिर भी यदि आप अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स बनाओगे तो आपको ज्यादा देर तक और ज्यादा अच्छी तरह से याद रह पाएंगे। कुल मिलाकर 101 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर शामिल किए गए हैं और यकीन मानना यदि आप इन 101 क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लेते हो तो मेरे भाई मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि आप यूपी के आने वाले किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चन से बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली खेल नीति 2023 कब जारी की है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश ने अपनी पहली खेल नीति अर्थात फर्स्ट स्पोर्ट पॉलिसी जो है वो जारी कर दी है और इस पॉलिसी को 10 मार्च 2023 को जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस खेल नीति का उद्देश्य क्या है? इस खेल नीति का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में खेलों को और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए। इस नीति के तहत हर विद्यालय में 40 मिनट का समय खेल, शारीरिक शिक्षा या योग के लिए भी निर्धारित किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नीति के तहत उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में 40 मिनट का समय जो है वो शारीरिक शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। तो आपको बता देना है उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस वीडियो के अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे आप देखोगे एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितने खेल मैदान बनाने का लक्ष्य रखा है? तो अगर वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करूं तो इसके अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल मिलाकर 6,458 खेल मैदान बनाने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कहां पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा मॉल है उसका उद्घाटन कर दिया गया है और ये मॉल आपका लखनऊ में खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत डिटेल बताऊं तो 10 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 2000 करोड़ रुपए की लागत से बने लुलू मॉल का उद्घाटन किया है। तो इस मॉल का नाम हो जाता है लुलू मॉल और इस मॉल को बनाने में लागत कितनी लगी है? 2000 करोड़ रुपए। इसका निर्माण करीब 22 लाख वर्ग फीट में किया गया है। इसमें एक साथ 50,000 लोग शॉपिंग कर सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इतनी कैपेसिटी इस मॉल की निर्धारित कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो इन ऑप्शंस के अंदर से आपको बताना है कि इनमें से कौन उत्तर प्रदेश के अब तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसा रिकॉर्ड जो है वो योगी आदित्यनाथ जी ने अपने नाम कर लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनसे पहले उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम था, लेकिन अब इनका रिकॉर्ड तोड़कर योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने यह रिकॉर्ड बना दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो यहां पर बात हुई है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 की, इसके अंदर उत्तर प्रदेश को 8वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप कहोगे सर पहला स्थान किसे दिया गया? तो पहले स्थान पर इसमें तमिलनाडु को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला अमृत सरोवर बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के अंदर पटवई नामक स्थान पर पहला अमृत सरोवर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस अमृत सरोवर का उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया था। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर योजना शुरू की गई है जिसके तहत देश के प्रत्येक जिले में 75-75 सरोवर बनाए जाएंगे। तो इसी योजना के तहत इस अमृत सरोवर की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है? तो जो उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय है इससे आपके कुल मिलाकर दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ये किस जगह पर बनाया जा रहा है, दूसरा ये किस जनजाति से संबंधित है। तो पहला आंसर तो हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश के बलरामपुर नामक जिले में पहला आदिवासी संग्रहालय जो है वो बनाया जा रहा है और यह आदिवासी संग्रहालय जो है यह थारू जनजाति से संबंधित है। इसमें थारू जनजाति के बारे में समस्त जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? तो कौन सी म्यूजिक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसे हाल ही में कल्चरल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाता है भातखंडे संगीत महाविद्यालय।
इसी संगीत महाविद्यालय को हाल ही में सांस्कृतिक महाविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी को इंडिया स्मार्ट सिटी समारोह में कितनी श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं? तो वाराणसी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया स्मार्ट सिटी समारोह में वाराणसी को कुल मिलाकर 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं वे 4 श्रेणी कौन कौन सी हैं। तो पहले नंबर पर आ जाती है कोविड इनोवेशन अवार्ड, दूसरे नंबर पर है स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड, तीसरी है सिटी अवार्ड और लास्ट में चौथी श्रेणी है जल संरक्षण अवार्ड। यह पुरस्कार भारत सरकार के शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि भारत के शहरी और आवास मामलों के मंत्री कौन हैं, तो इनका नाम हो जाता है हरदीप सिंह पुरी। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक निर्मला सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर लोक निर्मला सम्मान 2022 से गायिका शारदा सिन्हा को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी क्वेश्चन में से आपके सामने एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि लोक निर्मला सम्मान के अंदर कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें कुल मिलाकर 1,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव 2022 में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये भी हो जाता है कि इन्होंने शपथ कहां पर ली है और किसने इनको शपथ दिलाई है। तो योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शपथ ली थी। यूपी की जो वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने ही इन्हें शपथ दिलाई थी। और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ ही उप मुख्यमंत्री के रूप में ब्रजेश पाठक व केशव प्रसाद मौर्य ने भी यहीं पर शपथ ली थी। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का 1 मुख्यमंत्री तथा 2 उप मुख्यमंत्री हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रामसर स्थल के तौर पर घोषित बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो संत कबीर नगर जिले में स्थित एक अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी वन्य जीव अभ्यारण्य को हाल ही में रामसर स्थल के रूप में चुन लिया गया है। बात करूं रामसर स्थल की, तो वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या है 75, जबकि सर्वाधिक रामसर स्थल जो है वो तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित हैं, कुल मिलाकर 14। इसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 10 रामसर स्थल जो है वो चुन लिए गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले की अन्नू रानी ने बर्मिंगम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है? तो अन्नू रानी, इनका संबंध जो है वो मेरठ से हो जाता है। ये मेरठ के बहादुरपुर गांव की रहने वाली हैं और इन्होंने ही इंग्लैंड के बर्मिंगम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक में कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अन्नू रानी को ही जेवलिन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। एक चीज आपको और बता दूं, जेवलिन थ्रो में भारत के अंदर महिला के द्वारा जीता गया ये पहला पदक है, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले पाए गए हैं? तो सबसे पहले तो बता दूं एनसीआरबी क्या होती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, अर्थात जो भारत के अंदर क्राइम होते हैं उन क्राइम्स का राष्ट्रीय स्तर पर डेटा तैयार करने वाली संस्था का नाम है एनसीआरबी अर्थात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा का कुल 1 मामला पाया गया है 2022 के अंदर, जबकि पूरे देश में, अगर आपको बताऊं, पूरे देश में 2021 में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले पाए गए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मामले जो है वो महाराष्ट्र में पाए गए हैं, कुल मिलाकर 100 मामले। तो उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक हिंसा के मामले में बहुत दूर है, इसमें ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा देखने के लिए नहीं मिली है इस रिपोर्ट के अनुसार। कुल मिलाकर सांप्रदायिक हिंसा का 1 ही मामला इसमें पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना उत्तर प्रदेश में किन्हें राहत देने के लिए शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश की टॉप 20 योजनाओं की क्लास में मैंने आपको ये योजना अच्छे से कवर कराई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये योजना उत्तर प्रदेश में किन्हें राहत देने के लिए शुरू की गई है? मनरेगा मजदूरों को, पावरलूम बुनकरों को, सफाई कर्मियों को, या इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में कहां पर 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन लखनऊ के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लखनऊ के अंदर ही भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी भी खोली जा रही है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी उत्तर प्रदेश के किस शहर ने की है? तो इस बैठक की मेजबानी जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राही मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है?
तो राही मोबाइल ऐप भी वो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर ही लॉन्च किया गया है और इस राही मोबाइल ऐप के अंदर ट्रेवलर्स या टूरिस्ट का डाटा जो है वो रिकॉर्ड रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने प्राचीन और ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्थल घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कुल मिलाकर 18 ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्थल घोषित कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कुल कितने प्राथमिक विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा दिया है? तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यूपी की सरकार ने लगभग 44,000 प्राथमिक विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा दे दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर यूपी बीएड की परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, तो यदि कोई यूपी बीएड के लिए भी इस क्लास को लेना चाहता है तो आराम से ले सकता है, क्वेश्चन उनका भी इससे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए औषधि महानियंत्रक डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो जो डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी हैं, जो कि भारत के नए औषधि महानियंत्रक भी बन चुके हैं, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के एकमात्र सांसद कौन बने हैं? तो सांसद रत्न अवार्ड 2023 हाल ही में विशंबर प्रसाद निषाद जी को दिया जा चुका है और ये सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के एकमात्र सांसद बन चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कितना बजट पेश किया है? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात हो रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल मिलाकर 690,242.43 करोड़ रुपए का बजट जो है वो अपने लिए पेश किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में फरवरी 2023 में प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो 2023 के अंदर प्रकृति एवं पक्षी महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के महोबा नामक जिले में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना के नाम से उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुधार के लिए इस योजना को शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस से सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में इस खेल महाकुंभ का उद्घाटन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर सशस्त्र बलों के लिए एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल के निर्माण को मंजूरी मिली है? तो इस हॉस्पिटल को हाल ही में लखनऊ के अंदर निर्माण करने की मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने किसके साथ नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधि मंडल है उसने नॉलेज स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए हाल ही में सैन फ्रांसिस्को की ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया है? तो दिसंबर 2022 के अंदर ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर एक महीने तक काशी तमिल संगमम का आयोजन हुआ है? तो काशी तमिल संगमम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका आयोजन वाराणसी के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पर राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नामक जिले में कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड किस प्रदेश की एक पहल है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मार्क करके चलना। वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड जो है वो उत्तर प्रदेश की ही एक पहल है और इसी के नाम से मिलती जुलती उत्तर प्रदेश की एक और पहल हो जाती है जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पॉट योजना, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वदेशी खेल को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर कौन सी योजना शुरू की है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इस योजना का नाम हो जाता है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना। इस योजना को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से मान्यता प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाता है उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है? तो हाल ही में लखनऊ के अंदर एक हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्णय ले लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया गया है?
तो 41वें रामायण मेले का शुभारंभ जो है वो अयोध्या के अंदर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां पर अंतर्राष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन भी लखनऊ के अंदर ही किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस प्रदर्शनी में रेलवे से जुड़े उपकरणों का उत्पादन करने वाली कई देशों की कंपनियां हिस्सा लेंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया है, तो इस एक्सपो का आयोजन भी लखनऊ के अंदर ही कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे लखनऊ के अंदर से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको ये सभी क्वेश्चन नोट करके चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में भारत की पहली मानव रहित कार कहां पर बनाई गई है, तो इस कार को हाल ही में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज के द्वारा बना दिया गया है, अर्थात जिसे आप MNNIT प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव, इन्हें ही हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मुलायम सिंह यादव के अलावा उत्तर प्रदेश के 7 लोगों को पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां के आदमचीनी चावल को GI टैग मिला है, तो आदमचीनी चावल जो है वो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पाया जाता है और इसी को हाल ही में GI टैग दिया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर बनारस के बनारसी पान को तथा बनारस के लंगड़ा आम और रामनगर भाटा के बैंगन को भी GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आयोजित की गई है, तो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीपों का नामकरण उत्तर प्रदेश के कितने, यहां पर कितने ऐड कर लेना, उत्तर प्रदेश के कितने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण जो है वो देश के 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है, जिनमें से 4 परमवीर चक्र विजेता जो है वो उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन अब देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के उन 4 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम क्या है। पहला नाम है अब्दुल हमीद, दूसरे हैं नायक जदुनाथ सिंह, तीसरे हो जाते हैं लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और चौथे हो जाते हैं योगेंद्र सिंह यादव। उत्तर प्रदेश के इन्हीं 4 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप के 4 द्वीपों का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के 46वें स्थापना दिवस पर कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का जो 46वां स्थापना दिवस हुआ है उसके अवसर पर कुल मिलाकर 70 साहित्यकारों को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर की मुंडेरा बाजार नगर पंचायत अब किस नाम से जानी जाएगी, तो इस खबर से आप परिचित भी होंगे, गोरखपुर की जो मुंडेरा बाजार नगर पंचायत थी इसका नाम बदलकर अब चोरी चोरा नगर पंचायत कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना लॉन्च की गई है, तो इन योजनाओं में से हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने वर्ष के लिए सौर ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है, तो सौर ऊर्जा नीति 2022 इसे हाल ही में 5 वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में कई सारी नीतियों को मंजूरी दे दी गई है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की नई खेल नीति जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है, इसके बाद सौर ऊर्जा नीति 2022 इसे भी हाल ही में 5 वर्ष के लिए मंजूरी दे दी गई है, तो इन नीतियों से भी बनने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, तो सभी को एक साथ नोट करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, तो उत्तर प्रदेश का जो चौथा टाइगर रिजर्व है जिसका नाम आपने काफी बार सुन भी रखा होगा उसका नाम हो जाता है रानीपुर टाइगर रिजर्व। इसी टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। यह रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में पड़ता है, तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूं उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 4 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। पहला है दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीसरा है अमनगढ़ और चौथा है रानीपुर टाइगर रिजर्व, तो इन सभी के नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, तो प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट 2022 के अनुसार अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश का इसमें 8वां स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
इस रिपोर्ट के अनुसार देश में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में महाराष्ट्र को पहले स्थान पर रखा गया है, जबकि प्रति व्यक्ति कचरा निकालने के मामले में गोवा को पहले नंबर पर रखा गया है। तो इतना फैक्ट आपको इस रिपोर्ट से पता रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति 2022 कितने वर्षों के लिए जारी की गई है? तो ये भी एक नई नीति है जो उत्तर प्रदेश में डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति 2022 के नाम से लॉन्च की गई है, और इसे हाल ही में 5 वर्ष के लिए जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी है? तो जागृति यादव, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। जागृति यादव को एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश के किस जिले को, यहां पर किस जिले ऐड कर लेना, उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्रदेश में पहला स्थान और देश में 12वां स्थान दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जिला है गाजियाबाद, जिसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंदर पहले स्थान पर रखा गया है, और इसी गाजियाबाद को देश में 12वें स्थान पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और गाजियाबाद की अब तक की यह सबसे बेस्ट रैंकिंग है जो कि इस बार दर्शाई गई है। यह सर्वेक्षण 10 लाख से ऊपर की आबादी के लिए तय किया गया है। 1 से 10 लाख तक की श्रेणी में नोएडा को प्रदेश में पहले स्थान पर रखा गया है। ओवरऑल रैंकिंग की अगर बात करूं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंदर ओवरऑल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, तो उत्तर प्रदेश का ओवरऑल रैंकिंग में 10वां स्थान रहा है। ओवरऑल रैंकिंग की श्रेणी में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश को रखा गया है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में बिजनौर को पहला स्थान मिला है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश ने अपने राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत का जो योजना आयोग था उसका भी नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने वाले उत्तर प्रदेश के एकमात्र शिक्षक कौन बने हैं? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 को प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के एकमात्र शिक्षक बन चुके हैं खुर्शीद अहमद। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खुर्शीद अहमद का संबंध देवरिया जिले से हो जाता है। बात करूं केवी शाह जी की, तो केवी शाह जी नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष है। समीर विकामत डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष है। एस सोमनाथ जो है वो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है। तो इसी के साथ राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र शिक्षक बने हैं खुर्शीद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बाजरा उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो बाजरा उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश को 2रे स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में लगभग 50 लाख मीट्रिक टन बाजरा का उत्पादन होता है, जो देश के कुल उत्पादन के 20% के आसपास है। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में भी मनाया गया है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूएनओ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पहले तैरते सोलर प्लांट से विद्युत उत्पादन कहां पर शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है औरैया जिले के दिव्यापुर में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान भारत भारती हाल ही में किसे दिया गया है? तो आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा हो जाता है? भारत भारती। इसी भारत भारती सम्मान से हाल ही में डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस भारत भारती सम्मान के तहत कुल मिलाकर 8 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के अनुसार अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश को इसमें 7वां स्थान दिया गया है, जबकि इसमें पहला स्थान कर्नाटक को दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने राज्य कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने वाला पहला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और उत्तर प्रदेश ने इस सुविधा को देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना भी मैं आपको लास्ट क्लास में कवर करा चुका हूं। इसका एक एक पॉइंट हमने डिटेल वाइज कवर किया था। अब उत्तर प्रदेश के 22 लाख राज्य कर्मचारियों को इलाज में अपने खर्च हुए पैसे के भुगतान के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, तथा यह व्यवस्था राज्य कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स व उनके आश्रितों के लिए भी शुरू की गई है। अर्थात जो राज्य के कर्मचारी हैं उनको तो कैशलेस चिकित्सा की सुविधा मिलेगी ही, लेकिन जो पेंशन प्राप्त करता है उनको भी दी जाएगी, और राज्य कर्मचारियों के जो घरवाले हैं अर्थात जो उनके आश्रित हैं उनको भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कहां पर 3000 करोड़ रुपए की लागत से एक अपैरल पार्क बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में
3,000 करोड़ रुपए की लागत से एक अपैरल पार्क बनाया जाएगा। अपैरल पार्क का मतलब और कुछ नहीं, एक कपड़ा उद्योग से है जो कि नोएडा के अंदर स्थापित किया जाएगा। इस अपैरल पार्क या कपड़ा उद्योग के अंदर लगभग 2,00,000 लोगों को रोजगार देने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इस खबर से तो आप भलीभांति रूप से परिचित होंगे, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर जेवर नामक स्थान पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और यह एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 5वीं अक्षय पात्र मध्यान्ह भोजन रसोई का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा चुनाव में किस सीट से निर्वाचन हुआ है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, इनका विधानसभा चुनाव के अंदर गोरखपुर की शहरी सीट से निर्वाचन हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इसी सीट का नाम आपको गोरखपुर सदर के नाम से भी देखने को मिल सकता है, नाम आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी बनाई जा रही है? तो उत्तर प्रदेश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है वो लखनऊ के अंदर बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना बनाया जा रहा है? तो ब्रह्मोस मिसाइल, इसका कारखाना हाल ही में लखनऊ के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताज महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो ताज महोत्सव, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ताज अर्थात ताजमहल, ताजमहल कहां पे है? आगरा में। तो ताज महोत्सव का आयोजन भी आगरा के अंदर ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले प्रत्याशी कौन बने हैं? तो सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी हैं सुनील शर्मा, जो कि भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को 403 सीटों में से कुल मिलाकर 255 सीट मिली थी, ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। और जो सुनील शर्मा है, इन्हें 2,14,000 वोट प्राप्त हुए थे और 2,14,000 वोट प्राप्त कर विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से जीत दर्ज की थी और इन्हें साहिबाबाद नामक सीट से निर्वाचित किया गया था। तो इतना फैक्ट आपको विधानसभा चुनाव से पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? तो जैसा कि मैं आपको अभी बताकर आया हूं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के अंदर बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी को 103 सीटों में से कुल मिलाकर 255 सीटें प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार राज्य के मनरेगा मजदूरों को 213 रुपए प्रतिदिन के स्थान पर कितने रुपए मजदूरी देगी? तो हाल ही में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में बदलाव किया गया है। 213 रुपए प्रतिदिन इन्हें पहले मजदूरी दी जाती थी, लेकिन अब इनकी मजदूरी को 17 रुपए बढ़ाकर 230 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रथम मनरेगा के तहत जो मजदूर कार्य करते हैं उनकी मजदूरी अब कुल मिलाकर 17 रुपए प्रतिदिन बढ़ा दी गई है। तो दोनों ही फैक्ट आपको पता होना चाहिए, कितने रुपए प्रतिदिन बढ़ाई गई तथा कितने रुपए प्रतिदिन प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कानपुर हाल ही में जारी दुनिया के 40 खुशहाल शहरों की सूची में कौन से नंबर पर आया है? उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला जो है वो दुनिया के 40 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में 11वें स्थान पर आया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में कार्गो सुविधा शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो कार्गो सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बन चुका है लखनऊ एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो इस शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर नामक शहर में किया गया है, जिसे विश्व के 40 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में 11वें स्थान पर भी रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें खतौली विधानसभा उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो सबसे पहले तो बता दूं, खतौली विधानसभा जो है ये मुजफ्फरनगर की एक विधानसभा है और इसमें हाल ही में उपचुनाव कराए गए थे, जिस उपचुनाव में मदन भैया ने राजकुमार सैनी को हराकर जीत दर्ज की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर उत्तर प्रदेश का पदक तालिका में कुल मिलाकर 8वां स्थान दर्ज किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इन 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर उत्तर प्रदेश ने 20 गोल्ड मेडल, 18 सिल्वर मेडल और 18 ही ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं तथा इसी के साथ उत्तर प्रदेश ने कुल मिलाकर 36वें राष्ट्रीय खेलों में 56 पदक को जीत लिया है। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको कुछ क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित भी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि नियुक्तियों से भी डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बन चुके हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं संजय श्रीनेत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसे ही आप यूपी ट्रिपल एससी के नाम से भी जानते हैं। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का री एग्जाम जैसा कि होने वाला है, तो उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष बन चुके हैं प्रवीर कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कौन बने हैं? तो महाधिवक्ता, जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता बने हैं अजय कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर राज्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं मनोज कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताकर चला था कि आपको एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना है, उम्मीद करूंगा आप लोग सभी क्वेश्चन को डिटेल वाइज नोट करके चल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसके अध्यक्ष बने हैं जस्टिस बालकृष्ण माथुर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है विमला बाथम। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहीं पर आपको बता दूं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा और दिल्ली राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति बालीवाल। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश के हरदोई नामक जिले में पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही में सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के बलिया नामक जिले में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के अंदर कितने नए हाईटेक कारागार का निर्माण किया जाएगा? तो कुल मिलाकर 20 नए हाईटेक कारागार का निर्माण उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष हो जाते हैं सतीश महाना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने कहां पर एक स्टेडियम बनाने के लिए समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए समझौता किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बजट के अनुसार देश में व्यवसाय सुगमता की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो व्यवसाय सुगमता की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को 2रे स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाथ कॉरिडोर को बनाने का निर्णय लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के बरेली में हाल ही में नाथ कॉरिडोर को बनाने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो रामायण विश्वविद्यालय जो है ये अयोध्या के अंदर ही स्थापित किया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में घोषित गेहूं खरीद नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाता है 2125 रुपए प्रति क्विंटल। 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद नीति के तहत किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 4 शहरों के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इनका उद्घाटन कहां हुआ, तो उद्घाटन हुआ लखनऊ के अंदर और वे 4 शहर हो जाते हैं लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा। इन्हीं के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन किया गया था। अब बात करूं अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में पहला स्थान किसे मिला, तो पहले स्थान पर रखा गया था पंजाब यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में मछलियों की 1200 से ऊपर प्रजातियों का म्यूजियम बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इस म्यूजियम को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस म्यूजियम के अंदर मछलियों की 1200 से अधिक प्रजाति देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का जो पहला महिला विश्वविद्यालय है या पहली वुमेन यूनिवर्सिटी है, वो गोरखपुर के अंदर स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों में कब तक 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में 2030 तक उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों को रखने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन किया गया है। तो इस बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक शहर में कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कौन से दल का राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हाल ही में चुनाव आयोग ने समाप्त कर दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाता है राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल का राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया है। इसका सही आंसर हो जाता है युगांडा। युगांडा के अंदर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर कुल मिलाकर 8 सौर पार्कों को बनाने की मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में हाल ही में कबाड़ नीति कब से लागू की गई है। तो एक और नीति आपको देखने के लिए मिली है, कबाड़ नीति। कबाड़ नीति को हाल ही में 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कितनी पंचायतों को हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की 2 पंचायत ऐसी हैं जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अब देख लेते हैं वे 2 पंचायत कौन कौन सी हैं। पहली है सिद्धार्थनगर की हसुंदी उसनपुर ग्राम पंचायत और दूसरी हो जाती है मुरादाबाद की मिलक अमावती ग्राम पंचायत। इन्हें ही हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस राज्य को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन चुका है। तो दोस्तों ये फैक्ट भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश हाल ही में महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य के रूप में उभरा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह शहर कौन सा है जहां पर वाटर टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में हाल ही में राज्य सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क को स्थापित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपने यूपी स्पेशल से बनने वाले 100+ क्वेश्चंस को आराम से डिस्कस कर लिया है। अब यदि आपके एग्जाम में यूपी से कोई भी करंट अफेयर बनता है तो वो आपको इसी वीडियो के अंदर से देखने के लिए मिलेगा। एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से कंटेस्ट करते हो तो ही आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम में सोल्व कर पाओगे। चाहे आपको अपने एग्जाम में जाने से पहले ही इस वीडियो को एक बार और क्यों ना देखना पड़े, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में शामिल किया है। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी यूपी स्पेशल से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का कलेक्शन प्राप्त हो सके। अब नेक्स्ट वीडियो आपको जिस भी टॉपिक पर चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।